हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों के चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर को, जिसे स्टटरिंग या स्टैमरिंग भी कहते हैं। ये एक स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें कि बच्चे को नॉर्मल फ्लुएंसी और फ्लो ऑफ स्पीच में रुकावट आती है। स्टटरिंग को सिर्फ हम डिसफ्लुएंसी की प्रॉब्लम ही नहीं कहते हैं, बल्कि इसमें जो है बच्चे की टॉकिंग कैपेबिलिटी से जुड़ी हुई टेंशन और नेगेटिव फीलिंग्स भी इंक्लूड होती हैं। हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा होता है कि जब हम स्मूथली बात नहीं करते हैं, जब हम नॉर्मल टॉक में अटकते हुए यू नो, ओके या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो सोचिए कि जब बच्चा इस तरीके से किसी वर्ड पर अटकता है और उसको जो है बहुत उसमें एम्बैरस फील होता है कि वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट इन चीज़ों का पड़ना बहुत ही लाजमी होता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं बच्चों में स्टटरिंग के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और कब हमें इसकी तरफ जो है ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा स्टैमर कर रहा है। तो जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, सबसे पहले इसमें कि एक वर्ड या एक सेंटेंस स्टार्ट करने में बच्चे को जब डिफ़िकल्टी आती है तो हम इसको स्टटरिंग की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, या फिर किसी शब्द को बोलते हुए जब बीच में कोई अक्षर पर बच्चा अटकता है तभी भी जो है इसको स्टैमरिंग कहा जाता है, या फिर एक साउंड को बोलने की कोशिश में जो है जब बार बार वो उसी वर्ड को रिपीट करता है क्योंकि वो उसको क्लैरिटी से बोल नहीं पा रहा है। इसके बाद डिफ़िकल्ट अगर कोई वर्ड आ रहा है, उस बच्चे को मालूम है कि वो उस पर अटकेगा ही, तो वहाँ जाकर चुप हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, फेस पर जब भी बच्चे को ऐसा फील होता है कि वो वहाँ पर उस वर्ड पे या उस अक्षर पे, उस शब्द पे अटकने वाला है, तो उसके फेस पे आपको एक्स्ट्रा टेंशन या टाइटनेस जो है ऐसा ज़रूर नज़र आएगा। इसके साथ ही जो है जब भी आप उसको बात करने के लिए कहेंगे तो बच्चा जो है बहुत एंग्जाइटी फील करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ घर कर जाती है कि वो किन्हीं शब्दों पर ज़रूर से अटकेगा और सामने वाला हो सकता है उसका मजाक उड़ाए। इसके साथ ही कुछ और सिम्टम्स भी आप अपने बच्चे में नोटिस कर सकते हैं जब भी वो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। एक तो बच्चा जो है बार बार आइज ब्लिंक करता है, इसमें उसके जो है लिप्स और जॉ में आप ट्रेमर जो है आसानी से देख सकते हैं। बार बार अपना सिर हिलाएगा या फिर अपनी मुट्ठियों को जो है बंद करता है उस वर्ड को बोलने की कोशिश करते हुए। अक्सर किसी ग्रुप में या फ़ोन में बात करना जो है बच्चे को बहुत ही ऐसे में डिफ़िकल्ट लगता है, जबकि वो अकेले में अगर खुद से बात कर रहा है या कोई गाना गुनगुना रहा है तब वो स्टैमर नहीं करता है। जनरली स्टैमरिंग जो है 2 से 6 साल की एज में स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो ये प्रॉब्लम 6 मंथ में बच्चा जो है नॉर्मल फ्लुएंसी पे आ जाता है। उसके लिए सिर्फ जो है पेरेंट्स को बच्चे को याद दिलाना होता है कि ये शब्द को आप इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इफ़ ये टाइम जो है लंबा गुजर जाए तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ सबसे पहले जो है बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज़ करती है। तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या कॉज हो सकते हैं कि बच्चे में स्टैमरिंग होती है। वैसे तो कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया गया है, स्टिल कुछ चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं जिसको हम कॉज के तौर पे लेंगे। एक तो इसमें जो है फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है कि आपके बच्चों में या बच्चों के पेरेंट्स में जो है पहले इस तरीके की दिक्कत रही हो, तो नेचुरली ऐसा होता है कि वो गुण सामने वाले बच्चे में भी आ जाता है। या फिर कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि जिस टाइम वो बात करते हैं उनके ब्रेन की फंक्शनिंग थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होती है, वहाँ पर भी आपको स्टैमरिंग की दिक्कत देखने को मिलती है। और इसमें अगर और हम बात करें तो बॉयज़ जो हैं स्टैमरिंग के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं एज़ कम्पेयर ऑफ गर्ल्स। अब क्या दिक्कत हो सकती है आपके बच्चे को स्टैमरिंग की वजह से, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप उसकी समस्या को ठीक करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंटली ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि जो जैसा कि मैंने कहा कि स्टैमरिंग की वजह से
बच्चे का कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो जाता है, वो दूसरों से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम फील करता है। जब भी आप उसको बात करने के लिए कहेंगे वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है और जो है खुद को सोशल एनवायरनमेंट में रखना पसंद नहीं करता, या फिर सोशली कोई प्रोग्राम है, कोई स्कूल का कोई प्रोग्राम है उसमें उसको पार्टिसिपेट करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको पता है कि वो ठीक से बात नहीं कर पाएगा। दूसरे लोग जब उसको टीज़ करते हैं, उसके स्कूल फ्रेंड्स या आसपास के बच्चे या समटाइम्स बड़े लोग भी बच्चे का थोड़ा सा मजाक उड़ा देते हैं कि वो किसी बात को बोलते हुए अटक रहा है, तो ये टीजिंग जो है बच्चे पे बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और उसका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चे की ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए? वैसे तो जैसे मैंने कहा कि 6 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं आसानी से, अगर आप बच्चे को थोड़ा जो है इस चीज़ के लिए प्रमोट करेंगे। लेकिन स्टिल अगर ठीक नहीं हो पा रही है तो आपको ज़रूर किसी स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना ज़रूरी है, तो क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट जो है बच्चे को छोटे छोटे जो है इसमें हिंट्स देंगे, छोटे छोटे टिप्स देंगे जिससे जो है बच्चा आसानी से जो वर्ड्स पे वो अटक रहा है, जो वर्ड्स बोलने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, उनको ठीक कर पाएगा। इसमें जो है कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं वो काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो भी आप बच्चे को इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ज़रूर डॉक्टर की सलाह के साथ ही आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करें। उन हर्ब्स के हम यहाँ नाम लेना चाहेंगे। सबसे पहले वचा का चूर्ण आप प्रयोग कर सकते हैं, वो स्पीच में काफ़ी हेल्प करता है बच्चे को। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अश्वगंधा का प्रयोग करा सकते हैं और ब्राह्मी चूर्ण का प्रयोग करा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ टिप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे को बोलने में हेल्प करने के लिए। उसमें क्या है, सबसे पहले आपको बच्चे को प्रमोट करना है कि वो कोई भी बात बोलने की कोशिश करे लेकिन स्लोली बोले। जब बच्चा स्लोली स्लोली वो वर्ड्स बात में बात करेगा तो वो ज़्यादा अटकेगा नहीं और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज़ जो आप बच्चे को प्रमोट कर सकते हैं, उसको अगर आप बुक्स रीड करने के लिए बोलें, आप उसको बोलें कि वो फास्ट फास्ट बुक रीड करेगा, तो उससे क्या है कि बच्चा उन वर्ड्स को अपने दिमाग में फील करने लगता है और वो वर्ड नेचुरली उसके मुँह से फिर निकलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की। जब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ा रूटीन में आप बच्चे को कराएंगे तो उससे बोलने के समय जो उसकी जो फेस की उसके माउथ की जो मसल्स हैं उनमें जो टेंशन प्रोड्यूस होती है वो कम हो जाएगी, जिससे भी बच्चे को बोलने में हेल्प मिलेगी। तो ये सारे टिप्स फॉलो करते हुए, कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए और बच्चे को बहुत प्यार से डील करते हुए आप उसकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम ख़त्म करा सकते हैं, अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस वापस से ला सकते हैं ताकि वो अगेन अपना स्कूल और अपना सोशल एनवायरनमेंट में हंसी खुशी से अपना ग्रोथ करे, आगे बढ़े, अपने एकेडमिक्स में सक्सेस होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।